हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तंत्र मंत्र रिलेटेड चैनल मंत्र लिपि में आप सबका स्वागत है। जिन लोग इस चैनल में नया आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिया गया नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर में ऑल बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल में हमेशा तंत्र मंत्र टोआ टोटका जड़ी बूटी रिलेटेड वीडियो आता रहता है। आप जब भी ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर में प्रेस करेंगे, मैं जब भी नया वीडियो अपलोडिंग करूंगा आपके पास सबसे पहले चला आएगा। हेलो दोस्तों, किसी तांत्रिक ने या किसी ओझा ने, किसी अघोरी ने किसी का विद्या को अगर बांध कर रख दिया, खील मार कर रख दिया, उस खील को कटाने के लिए, उस बंधन खील को कटाने के लिए आज का प्रयोग है। इस खील को कटाने के लिए दो टो स्वयं सिद्ध बेंगोली मंत्र लेकर आया हो और साथ में एक यंत्र लेकर आयो, तीन ठो प्रयोग दे रहा हो। तीन ठो प्रयोग में से किसी भी एक प्रयोग करने से आपका काम बनेगा। जिसका ऊपर में छोटा मोटा प्रयोग हुआ है वो एक काम करने से ही उसका काम बन जाएगा। अगर जिसका ऊपर में बड़ा सा बड़ा तंत्र क्रिया हुआ है, बहुत बड़ा सा अघोरी ने क्रिया कर दिया, या किसी ने बहुत बार उसका ऊपर में उसका विद्या को हरण करके रख दिया, तो उसके लिए मैं बोलूंगा तीन ठो प्रयोग आप लोग करेंगे। तीन ठो प्रयोग करने से उसका ऊपर में जितना बड़ा तंत्र मंत्र क्रिया हुआ है, उसका विद्या को बांध के रखा है, विद्या को हरण करके रख दिया, सारा विद्या लौटकर चलाएगा, उसका बंधन हट जाएगा, खील भी कट जाएगा। खील जो होता है ये एक तरह का बेंगोल में एक गांठ होता है। ये गांठ बहुत आसानी से नहीं निकलता है, छोटा मोटा गांठ तो निकल जाता है, लेकिन खील प्रयोग कर देने से आसानी से वो खील नहीं हटता है। खील बेंगोल में बोला जाता है। खील आसाम और बेंगोल साइड में अधिक प्रचलन है और इसका प्रयोग विधि भी अधिक है। खील का प्रयोग कैसे करते हैं तांत्रिक लोग, मुर्दे को या लाश को जिस बांस का ऊपर में उठाकर ले जाता है, जिस चार का ऊपर से लेकर जाता है, उस बैम्बू को काट कर छोटा छोटा कील बनाता है। उस कील को मंत्रभूत करके जिसका ऊपर में खील प्रयोग किया जाता है, उसका फोटो को या उसका पैरों का नीचे का मिट्टी को लेकर पुतला बनाता है। पुतला बनाने के बाद उसका ऊपर में इस खील को प्रयोग करता है, इस कील को प्रयोग करता है। ये खील कबर में गड़ा हुआ बैम्बू से भी प्रयोग होता है। तो खील बहुत डेंजर होता है, खील प्रयोग करने से आसानी से खील हटता नहीं है। आज का जो प्रयोग दिया वो ये खील को काट करने के लिए और खील को हटाने के लिए इस मंत्र प्रयोग है। ये खील हटाने वाला मंत्र बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास नहीं है। जिसके पास है वो तो काट कर लेगा, जिसके पास नहीं है वो आसानी से काट कर नहीं पाता है, इसीलिए आज का ये प्रयोग दिया हो। तो आज का जो प्रयोग दिया हो ये बंधन खील हटाने के लिए, किसी का विद्या का ऊपर में, किसी का सिद्ध का ऊपर में, किसी तांत्रिक ने, किसी अघोरी ने अगर बंधन खील प्रयोग करके रख दिया या छोटा मोटा बंधन प्रयोग करके रख दिया, उसका विद्या को हरण करके रख दिया, उसको वापस लाने का प्रयोग है, उसका खील हटाने का प्रयोग है। जिसके ऊपर में किसी व्यक्ति ने किसी ओझा ने छोटा मोटा बंधन प्रयोग करके रख दिया, तो किसी भी एक प्रयोग करने से, किसी भी एक ठो मंत्र का प्रयोग करने से, ये यंत्र का प्रयोग करने से उसका ऊपर से बंधन खील हट जाएगा। पहला वाला जो प्रयोग है, इस प्रयोग को करने के लिए कुछ सामग्री की आपको जरूरत है। जैसे सात घाट का पानी आप ले लेंगे और दूध, गाय का कच्चा दूध 300 ग्राम लेंगे, खोई 300 ग्राम लेंगे, मुड़ी 300 ग्राम लेंगे, बांस का चालन होता है, चालन जैसे मुड़ी को चालता है, खोई का चालता है, एक चालन होता है, जैसे आजकल प्लास्टिक का मिलता है आटा को चालने के लिए, तो एक चालन होता है, ऐसे बैम्बू का भी बना होता है, चालन बनता है, बंगाली में होता है चालन, बाहर में भी शहर में मिलता है, चालन मिलता है, बैम्बू का चालन मिलता है, वो चालन एक ठो नया ले लेना पड़ेगा, नया एक चालन आपको खरीद कर लेना है। साथ में तीन ठो अगरबत्ती, तीन ठो मोमबत्ती आपको ले लेना है। लेने के बाद इस प्रयोग को करने के लिए किसी भी शनिवार या किसी मंगलवार के दिन इस प्रयोग को करना है। आपका घर के आसपास में जहां पर भी चौ रास्ता है, चार रास्ता का मिल जहां पर है, वैसे ही एक छक के ऊपर में इस क्रिया को करना है। किसी भी शनिवार या किसी मंगलवार के दिन दोपहर का टाइम में आपका जो तंत्र मंत्र का जो भी प्रयोग का सामान है, खाता हो, बुक हो, डायरी हो गया, कलम हो गया, इंक हो गया, सब सामान को इकट्ठा करके बांधकर आप उस चौरास्ता के ऊपर में लेकर चला जाएंगे और साथ में ये सब सामान भी लेकर जाएंगे। चौरास्ता का मोड़ के ऊपर में सब सामान को रख लेंगे। रखने के बाद आप जो लोटा में पानी लेकर आए, सात घाट का पानी, उस पानी को भी एक साइड में रख लेंगे और तीन ठो अगरबत्ती और तीन ठो मोमबत्ती सामने उसको जला लेंगे। जलाने के बाद सामने दूध, मुड़ी और खोई को सामने रख लेंगे भोग का तर पर।
इसके बाद जो मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र को आपको 100 बार पाठ करना है, 100 बार पाठ करना है, और उस पानी के ऊपर में 3 बार फूक मारना है। फूक मारने के बाद उस पानी अभिमंत्रित हो जाएगा। इसके बाद चालन को, जो आपने खाता बुक लेकर गया है, उसका ऊपर में चालन पकड़ कर उस पानी को छिड़क देना है। छिड़क देने के बाद सब सामान वहां पर ही रहेगा। आपने जो लेकर गया है, मूढ़ी खोई चालन सब रखकर आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। बाकी अपना जो खाता बुक पेन होगा वो सब लेकर आप घर पर चलाएंगे। उनका फोटो है, आप लोग देख लीजिए, बांस का बना हुआ चालन है। ये मार्केट में मिल जाता, आराम से मिल जाएगा। ये चालन के बारे में और एक गुप्त बातें आप लोगों को आज शेयर कर रहा हूँ। आपका ऊपर में अगर बड़ा सा बड़ा बंधन लगा हुआ है, उस बंधन क्रिया को आप इस चालन से काट कर सकते हैं। आपको इस क्रिया को 5 शनिवार, नहीं तो 7 शनिवार को इस क्रिया को करना है। हर शनिवार को एक दाम से मार्केट से चालन खरीद कर लेना है। लाने के बाद आप जब नहाएंगे, नहाने का टाइम में उस चालन को आपका सर के ऊपर में किसी को पकड़ कर रख देने के लिए बोलेंगे, और उसका ऊपर से पानी को ढालने के लिए बोलेंगे। उस चालन से जो पानी निकल कर आएगा, उस पानी से आप नहा लेंगे। नहाने के बाद उस चालन को किसी भी निर्जन स्थान पर, नहीं तो किसी भी ते माता का मोड़ पर, नहीं तो चो माता का मोड़ पर उस चालन को लेकर रखकर चलाएंगे। ऐसे 5 शनिवार करने से आपका ऊपर में बड़ा सा बड़ा बंधन क्रिया काट जाएगा। किसी तांत्रिक ने आपका ऊपर में अगर बंधन डाला हुआ है तो बंधन हट जाएगा। ये क्रिया 5 शनिवार, नहीं तो 7 शनिवार आपको करना है। नया चालन हर शनिवार को एक ठो करके नया चालन ही खरीदना है। नया वाला चालन से आपको इस क्रिया को करना है। हर शनिवार को आप जब भी क्रिया करेंगे, नया चालन खरीद कर ही करेंगे, तब भी ये काम करेगा। मंत्र को मैं पाठ करके सुना दे रहा हूं। मंत्र है, लोनसन बन तुई बलबीर, तो नाम लोइया काटलाम আমার মন্ত্র তন্ত্র যন্ত্র বিদ্যা বন্ধন খিল কাটলাম কার আজ্ঞে সিদ্ধি গুরু রামের আজ্ঞে হাড়ে জি চণ্ডী দিল বর আমার তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র বিদ্যার বন্ধন সব খোল। এই হে মন্ত্র, মন্ত্রকে আমি আর একবার পাঠ করকে শোনা দাঁড়াও। লনসন বন তুই বলবীর, তোর নাম লইয়া কাটলাম আমার মন্ত্র তন্ত্র যন্ত্র বিদ্যা বন্ধন খিল কাটলাম কার আজ্ঞে সিদ্ধি গুরু রামের আজ্ঞে হাড়ে জি চণ্ডী দিল বর আমার তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র বিদ্যার বন্ধন সব খোল। এই হে মন্ত্র। ये मंत्र अगर और किसी के लिए प्रयोग करेंगे तो इस मंत्र में जहां पर अमर लिखा हुआ वहां पर उस व्यक्ति का नाम आप उल्लेख करेंगे। जैसे इस मंत्र में लोनसन बन तुई बलबीर, तो नाम लोया काटलाम अमर, और अमर जगह पर उस व्यक्ति का नाम उल्लेख करेंगे जिस व्यक्ति के लिए इस क्रिया को करेंगे। इस प्रयोग को एक बार करने से आपका ऊपर में जितना तंत्र मंत्र का बंधन लगा हुआ है, आपका खाता बुक का ऊपर में, आपका विद्या का ऊपर में, सब बंधन कील हट जाएगा। जिसका ऊपर में, जिस व्यक्ति का ऊपर में तांत्रिक लोगों ने बहुत बार बार उसका विद्या का ऊपर में तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है, उसका विद्या का बंधन करता है, वो व्यक्ति मायने में एक बार करके इस प्रयोग को कर सकता है। अभी जो दूसरा वाला प्रयोग दे रहा हूं, इस प्रयोग को करने के लिए आप जब पूजा में बैठते हैं, पूजा में बैठने के पहले 7 घाट का पानी आप लोटा में ले लेंगे। लेने के बाद जो मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र को 3 बार पाठ करना है और 3 बार उस पानी के ऊपर में फूक मारना है। फूक मारने के बाद आप जो आसन में बैठता है, उस आसन का ऊपर में इस पानी को आपको छिड़क लेना है, और सामने में भी आसपास में भी छिड़क लेंगे इस पानी को। इस क्रिया को हर दिन करना है। इस क्रिया को करने से आपका ऊपर में जो भी तंत्र मंत्र बंधन होकर, जिसने भी आपका विद्या का हरण किया है, वो सब बंधन काट भी जाएगा और लौट कर भी चला आएगा। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। दोनों मंत्र ही बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आप लोग इस मंत्र को कंठस्थ कर लेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। देख देख कर ही पाठ कर सकता है, लेकिन कंठस्थ कर लेने से इसका असर बहुत ही ज्यादा मिलेगा। मंत्र को मैं पाठ करके सुना दे रहा हूँ। मंत्र है, फूल चले थे आंचल चाली, आरो चाली शिव चार कोण पृथ्वी चाली देव दानव जीव गाछे थाकस दोहाई धर्मे शून्य थाकस दोहाई रामेर আমার দোহাই পাইলে যদি না আসস দোহাই নবী সুলমান বাদশার মাথা খাস আমার আসরে দিয়া পাও মিষ্টি সুরে কথা কও দোহাই আল্লাহর আয় 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 আমার আসনে আয় ছু ছু ছু। এই হে মন্ত্র। ইস মন্ত্র কমে অর একবার পাঠ করকে শোনা দাও। ফুল চালিতে আঁচল চালি আরো চালি শিব চার কোণ পৃথিবী চালি দেও দানব জীব গাছে থাকস দোহাই ধর্মের শূন্য থাকস দোহাই রামের আমার দোহাই পাইলে যদি না আসস
দোহাই নবী সুলেমান বাদশার মাথা খাস, আমার আসরে দিয়া পাও মিষ্টি সুরে কথা কাও, দোহাই আল্লাহর আয় 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 আমার আসনে আয়, ছু ছু ছু। এই মন্ত্র, ইস মন্ত্র কো আপকো হর দিন আপকো পাঠ করনা হয়, 3 বার করকে পাঠ করনা হয় আর 3 বার ফুক মারনা ইস পানি কে উপর মে। ফুক মারনে কে বাদ আপ উস পানি কো আপনি জিস আসন কে উপর মে ব্যাঠ কর পূজা করতে উস আসন কে উপর মে ইস পানি কো ছিড়কনা হয় আর মন্ত্র বুক আর খাতা কে উপর মে ভি ইস পানি কো লেকর ছিড়ক দেনা হয়। ইয়ে বালা মন্ত্র কা প্রয়োগ করনে সে আপনা জিতনা ভি এই বালা মন্ত্র কা প্রয়োগ করলে সে আপনার উপর মে জিতনা ভি বন্ধন লাগা হুয়া জিসনে ভি বন্ধন করকে ডাক দিয়া, যো বিদ্যা গ্রহণ করকে ডাক দিয়া, সব কুছ লট কর আপকে পাস চলায়েগা, ধীরে ধীরে চলায়েগা। ইয়ে দুসরা বালা মন্ত্র হয়। তিসরা বালা যো প্রয়োগ হয় ইয়ে যন্ত্র কা প্রয়োগ হয়। আপনি যো আপলোক জিস যন্ত্র কো দেখ রহে ইস যন্ত্র কো কিসি ভি শনিবার ইয়া কিসি মঙ্গলবার কে দিন শুদ্ধ আসন মে ব্যাঠ কর সামনে মে 3 ঠো আগরবাতি জ্বালা লেঙ্গে, 3 ঠো মোমবাতি জ্বালা লেঙ্গে, জ্বালানে কে বাদ কাগজ কা উপর মে গোরোচন কুমকুম আর জাফরান কালি সে ইস যন্ত্র কো অঙ্কন করনা হয়। 2 ঠো যন্ত্র আপকো অঙ্কন করনা হয়। 2 ঠো যন্ত্র অঙ্কন করনে কে বাদ 1 ঠো যন্ত্র কো আপকো আগ মে জ্বালা লেনা হয়। জ্বালানে কে বাদ জো রাগ বনেগা উস রাগ কো আপ না জিপ সে চাট চাট কে খানা হয়। আর দোসরা বলা যে যন্ত্র হয় উসকো ফোল্ড করকে কিসি ভি তাম্বে কা মাদলি মে ভর লেঙ্গে, ভরনে কে বাদ 3 দিন উস মাদলি কো আপ পেনেঙ্গে, पहनने के बाद 3 दिन के बाद किसी भी बांस झाड़ में चला जाएंगे, बैम्बू जो स्टीक होता है बैम्बू झाड़ पर चला जाएंगे। जाने के बाद अगर जिसका डॉग जो आगा होता है उस आगा टूटा हुआ है, उस टूटा हुआ आगा में उस कॉबोस को आप भरकर चलाएंगे, चलाने के टाइम में पीछे मुड़कर आप नहीं देखेंगे, घर चलाएंगे, इससे आपका काम बन जाएगा। बीच में खुद का नेम और अपना बाबा का नाम जरूर लिखना, अगर और किसी के लिए इस प्रयोग को करके देंगे तो उसका नाम और उस व्यक्ति का बाप का नाम जरूर लिखेंगे। यंत्र अंकन करने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा जरूर करेंगे। ये क्रिया करने से आपका ऊपर में जितना तंत्र मंत्र का बंधन लगा हुआ है आपका विद्या का ऊपर में सब बंधन हट जाएगा, सब खील हट जाएगा। जिस व्यक्ति का ऊपर में छोटा मोटा बंधन लगा हुआ है वो किसी भी एक प्रयोग करने से उसका विद्या वापस चलाएगा। अगर किसी व्यक्ति का ऊपर में बहुत तांत्रिक लोगों ने बार बार उसका विद्या को हरण कर लिया, बार बार उसका विद्या को बंधन कर लिया, वो व्यक्ति तीनों प्रयोग ही कर सकते एक साथ। इस वीडियो का जानकारी कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जिन लोग इस चैनल में नया आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय मात तारा।